मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले और दूसरे हफ्ते में ऐतिहासिक कमाई कर चुकी रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल अब अपने तीसरे हफ्ते में एंट्री मार चुकी है। और दोस्तों, आज अपने 15वें दिन के साथ ही इस फिल्म ने यह भी कंफर्म कर लिया है कि ये फिल्म 500 नहीं बल्कि 600 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही एनिमल, जो कि इंडिया में इस साल रिलीज होने वाली दूसरी सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई। और दोस्तों, इस फिल्म ने पिछले 100 सालों के इतिहास में बॉलीवुड की सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और तेलुगु में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने में कामयाब रही। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म एक एक्शन, वायलेंस और थ्रिलर फिल्म है, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार रणबीर कपूर नेवर सीन बिफोर अवतार में नजर आए हैं। और दोस्तों, उनका वायलेंस अवतार ऑडियंस को खूब पसंद आया है। बॉबी देओल भी दोस्तों इस फिल्म में वायलेंस अवतार में नजर आए हैं और दोस्तों बिना किसी डायलॉग के उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया है। वहीं दोस्तों, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी और अनिल कपूर सर जैसे बेहतरीन स्टार कास्ट भी इस फिल्म में हमें नजर आई है। बताते चले दोस्तों आपको कि लगभग 100 करोड़ के बजट से बनने वाली एनिमल को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 64 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली और दुनिया भर में 116 करोड़ रुपए कमाए। इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले दिन के कलेक्शंस के मामले में ही बॉलीवुड की फिल्म पठान को पीछे करके इंडियन सिनेमा के इतिहास की टॉप 5 फिल्मों की ओपनिंग्स में अपना नाम दर्ज करा दिया था। ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले शानदार रिव्यूज के बाद इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई और सिर्फ 3 दिनों में इस फिल्म ने 356 करोड़ कमाए थे। तो वहीं दोस्तों, अपने पहले ही हफ्ते में ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 563 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों अपने पहले हफ्ते में 337 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते की भी शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ की थी। और दोस्तों, 3 दिनों में इस फिल्म ने 94 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि दोस्तों गदर 2 के बाद बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कलेक्शंस रहे। और इस फिल्म ने जवान और पठान को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के टोटल सेकेंड वीक की, तो दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने टोटल 139 करोड़ 70 लाख रुपए की शानदार कमाई की है, जो कि एक तरह से गदर 2 और बाहुबली 2 के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन से भी ज्यादा अच्छा कलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि इसी के साथ एनिमल ने अपने 14 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 476 करोड़ रुपए के बेहतरीन आंकड़े को पार कर दिया है और बॉलीवुड इतिहास की 4th हाईएस्ट ग्रोसर सिर्फ 14 ही दिनों में बन चुकी है। इस फिल्म ने दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी नेट कलेक्शन को भी पीछे कर दिया है। तो वहीं दोस्तों, अब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 15वें दिन भी धमाकेदार कमाई करती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के इस वीकेंड के कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस वीकेंड में भी इस फिल्म के सामने कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है। ये फिल्म दोस्तों इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3,500 से 4,000 स्क्रीन पर चल रही है और सिंगल स्क्रीन पर दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए आज भी ऑडियंस की भीड़ देखने को मिल रही है। ये फिल्म दोस्तों आज अपने 15वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 2 करोड़ रुपए की एडवांस लेकर ओपन हुई है, आज मॉर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए 12 से 15% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। आफ्टरनून और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी में भी दोस्तों काफी अच्छा ट्रेंड आज देखने को मिल रहा है। ये फिल्म आज अपने 15वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां लगभग 8 से 8.5 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 484 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आज लगभग 13 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर मिलाकर टोटल कलेक्शन हो चुका होगा 802 करोड़ रुपए का। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि सुपरस्टार रणबीर कपूर और बॉबी देओल की ये फिल्म 800 करोड़ रुपए के प्रेस्टीजियस क्लब में आज अपने 15वें दिन शामिल हो चुकी है। और दोस्तों इस हफ्ते के खत्म होते होते इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 900 से 920 करोड़ रुपए के होने वाले हैं और ये फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में जल्द ही एंट्री मारने वाली है। दोस्तों इस फिल्म को जिस तरह का रेस्पॉन्स इस हफ्ते भी मिलने वाला है, उसके बाद ये भी कंफर्म हो चुका है कि ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 1 या 2 ही दिनों में 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी और हो सकता है तो जल्द ही बाहुबली
बाहुबली 2 के लाइफटाइम कलेक्शन 511 करोड़ और पठान के लाइफटाइम कलेक्शन 514 करोड़ के रिकॉर्ड्स को पीछे करते हुए बॉलीवुड की सेकंड बिगेस्ट ग्रोसर भी बन जाएगी। आपको दोस्तों क्या लगता है, एनिमल का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन है क्या वो 1000 करोड़ और इंडिया में 550 करोड़ होगा या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।